दोस्तों और बुजुर्गों सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम। जैसे कि मैं हमेशा आप लोगों के साथ में आता हूँ, आप लोगों के बीच में आता हूँ अपना तबला बनाने के बाद, इसी तरह से आज भी मेरी कोशिश है थोड़ी सी। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊँ मैंने जो तबला बनाया आप तक, वो सारी चीज़ें जो मैं बनाता हूँ आप तक पहुँचनी ज़रूरी है, ठीक है ना। तो मेरे साथ में अभी एक और भाई जुड़े हैं जिनको मैंने ये तबला बनाया है। ये एक्चुअली पूना डिफेंस कॉलोनी से हैं, पूना के अंदर, और ये डिफेंस के आदमी हैं। इनका नाम अनूप सिंह परिहार है। ये एक वैसे तो एक गवर्नमेंट जॉब करते हैं, लेकिन एक तबले का भी शौक़ है। तो तबले के बारे में जहाँ तक थोड़ी मोटी इनको जानकारी हुई तो वो मेरे से कॉन्टेक्ट किया और मैंने तबला कोशिश करी है बनाने की। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, ठीक है ना। तो ये अनूप सिंह जी के लिए जो तबला बनाया है वो ये देख लें आप, ये सबसे पहले तो ये कॉपर है, ये हैंडमेड डग्गा है, ठीक है। और इसका जो वेट है वो हैवी वेट में है, ये समझ लीजिए, ठीक है। ये देख लीजिए आप इसका सारा डिज़ाइन, सब इसकी शाइनिंग, और फिर इसके बाद इसकी स्टिचिंग देखें, ये जो हमारी मेकिंग है, और इसकी शाइनिंग देखें, फिनिशिंग देखें, ठीक है। अब रही बात वो तो साउंड की, तो वो तो मेन चीज़ होता है, वो साउंड में ही ये तबले हमारे आप लोग पसंद करते हैं, क्योंकि बर्तन अपनी जगह पर है तो वो अब अलग मैटर करता है, और ये जो साउंड है ये अलग मैटर करता है। तो हमारा जो बनाने का जो तरीका है उसको जो आप लोग पसंद करते हैं वो साउंड को ज़्यादातर आप ध्यान में रखते हैं, तो वो साउंड को बहुत ज़रूरी दिखाना है। तो ये देखिए, ये ब्लैक शीशम तबला है, करीब से दिखा देना और है। ये ब्लैक शीशम तबला है विदाउट पेंट, ये देखिए सारा ब्लैक शीशम तबला है, ठीक है। और ये इसके रिंग हैं, बड़े लाइट वेट हैं, और मैं चाहता हूँ एक फाइबर का बॉक्स भी है, ठीक है। तो ये फाइबर का बॉक्स है, ये देख लीजिए आप इसको, करीब से दिखा दें आप इसको, ठीक है। और ये जो हमारा फाइबर का बॉक्स में हमने रखना है, और इसी तरह से हम अपने तबले को अब आपको साउंड के ज़रिए सुनाना चाहते हैं। ये हमारा डी शार्प है तबला जो हमने बनाया, डी शार्प, ये देखिए, ये डी शार्प है, ये देख लीजिए, ये तो, और ये इसका साउंड है, ये देखिए, ये देखिए आप। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इसके साउंड को देखने के लिए और सुनने के लिए एयरफोन का ज़रूर इस्तेमाल करें, तो आपको बड़ा पसंद आएगा और अच्छा लगेगा, और वैसे भी अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आप चाहें तो आप एयरफोन से इसका सही इसका मज़ा ले सकते हैं और सही जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, और ये जो मुंह है इसका 5.5 इंची में है और डी शार्प में बनाएंगे, और इसका ये साउंड देख रहे हैं आप, इसका ये देखिए, इसका साउंड, इसका रेजोनेंस देखिए आप, ये देखिए, ये क्योंकि हम तो तबला बनाते हैं, बजाना आता नहीं, इसलिए थोड़ी सी मुश्किल होती है आप लोगों को, बजा के भी सुनाना ज़रूरी होता है, क्योंकि आज कोई हमारे पास इसके एक्सपर्ट नहीं है। तो हमारी कोशिश है, वैसे तो हम हमेशा एक्सपर्ट से ही बजवाते हैं और आप लोगों को सुनवाते हैं, तो आज मैं थोड़ा सा इसको बजा देता हूँ, ये देख लीजिए आप, बस मुझे इतना ही बजाना आता है, क्योंकि मेरी लाइफ पूरी रही है बनाने के अंदर, तो बस इसीलिए थोड़ा सा मुश्किल होती है बजाना, क्योंकि बजाना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। जो लोग इसको बजाते हैं वो बड़े क्या कहते हैं, मेहनत करके वो आगे आए हैं, तभी वो बजाना सीखे हैं और समझे हैं। तो ये और बनाना अपनी जगह पर है, बनाना भी बहुत एक बड़ी बात है। तो बस हमने बस ये आपको बस इतना ही दिखाना था, तो ये देख लीजिए आप, ये साउंड वगैरह, और ये फाइबर का बॉक्स है, ठीक है, ये देख लीजिए आप, है ना, इसमें कुशन वगैरह सब दिया हुआ है,
बहुत अच्छा खूबसूरत बनाया हुआ है, और आजकल इसमें स्टील की फिटिंग आ गई है, हैंडल वगैरह सब ये सारे लॉक वगैरह सारे स्टील के आ गए हैं। तो और इसके ये पैक्स हैं, ये हम दे रहे हैं, बाय में लगेंगे, लूज़ होने पर ये इस्तेमाल किया जाता है। और ये इसका है हमारे तो इंक्लूड है, और ये इसके टॉप है, ये देखिए ये इसके टॉप है, इस तरह से लगेंगे, ठीक है जी। तो बस मैं अपनी वीडियो को यही समाप्त करूँगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए और आपको अच्छा लगे मेरा तबला जो मैंने बनाया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी दबाएं, ठीक है जी। अच्छी बात है जी, मैं नमस्कार करता हूँ।